तो ये है प्रो वॉइस, एक यूट्यूबर जो कि जाना जाता है अपनी यूनिक वीडियोस की वजह से, और आज हम लोग इन्हीं की तरह वीडियोस बनाने के लिए गिटहब पे ढूंढने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाना एंड वहाँ पर सर्च बार में जाकर लिखना मोडरेंट MODRENTH, और इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो तुम लोग वहाँ से जाके वैसे विजिट कर सकते हो इस वेबसाइट को। तो जैसे तुम लोग आ जाओगे इस वेबसाइट पर तुम लोग देख सकते हो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मोड्स, प्लगइन्स, रिसोर्स पेज एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारा जो काम है वो है डेटा पैक्स के ऊपर। तो ये रहे डेटा पैक्स, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बहुत सारे डेटा पैक्स हैं जिनके तुम लोग जा सकते हो, जैसे कि हीरो ब्रांड वाला एंड मच मोर, बहुत सारे हैं। बट हम लोग जो डेटा पैक्स ढूंढ रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेटा पैक्स। तो उन्हें सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्च वाले ऑप्शन में, यहाँ पर लिखूँगा माइनक्राफ्ट वर्ड। जैसे माइनक्राफ्ट वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो होंगे जैसे कि वी कांट टच ग्रास या अपसाइड डाउन है वर्ल्ड। ये तो बहुत सारे यहाँ पे डेटा पैक्स हैं जिनके ऊपर तुम लोग वीडियोज़ बना सकते हो, और मैं तो अपने केस में ये वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ। बस अगर इससे क्या होगा, मतलब मैं अगर जितना जंप करूँगा ना उतनी मेरी एबिलिटी इंप्रूव होगी। तो सबसे वर्जन्स में जाके यहाँ पे मुझे चेक करना है, जो 1.21 इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हो तो मुझे 1.21 ही यूज़ करना है, एंड डेटा पैक्स ये लिखा होना चाहिए, फैब्रिक वगैरह कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, वर्जन एंड डेटा पैक लिखा होना चाहिए एंड डाउनलोड कर देना। एंड 1.21 को भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मैं बताना चाहता हूँ। तो चीज़ ये है कि वाइस मैंने रिकॉर्डिंग करी थी कि कैसे तुम लोग उसी पैक को इम्पोर्ट कर सकते हो, बट आई डोंट नो वाई वो फाइल काइंड ऑफ करप्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी ये है मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैपकट, एंड यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ ना प्लस और ऑप्शन में, ये रही वो रिकॉर्डिंग, बट ये पूरी की पूरी ब्लैंक दिख रही है। मतलब अगर मैं इसे ऐड भी करता हूँ ना तो वो यहाँ पर दिखती भी नहीं है। मतलब मैंने इसे ऐड किया इसको पूरी टाइम लाइन के ऊपर, ये कहीं पर भी नहीं है। तो आई डोंट नो वाई ये फाइल करप्ट क्यों हो गई है, बट हाँ अभी हम लोग सिंपली अपने गेम को टेस्ट करते हैं। तो ये मैं आ चुका अपने वर्ल्ड में, तो ये 1.21 ही है क्योंकि वही वर्जन हम लोग को रिक्वायर्ड था। मिसाल तो अगर वहाँ पे लिखा हुआ 1.20.1 फिर तुम लोग को मतलब मिसाल वहाँ पे तुम लोग 1.20.1 यूज़ करते हो एंड वहाँ पे 1.20.2 यूज लिखा हुआ है, वहाँ पे लिमिटेड 1.20.2 तक है, तो तुम्हें सबसे क्लोजेस्ट वर्जन जो कि 1.20.2 है, मतलब सबसे जो क्लोजेस्ट वर्जन वहाँ पे है ना वो डाउनलोड करना है अगर तुम लोग नहीं चाहते एग्जैक्ट वर्जन डाउनलोड करना। बाकी तुम देख सकते हो मेरी जंप एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और मुझे डिफॉल्ट डैमेज पड़ता है अगर मैं किसी को क्रिट मारने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऑब्वियसली बातें नहीं पड़ती, तो क्रिट वॉज लाइक ये काफ़ी हार्ड है, ये साइड जाते हैं भाई, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो भाई एक सेकेंड मतलब लगी तो सही पर क्रिट नहीं थी, क्रिट होती तो अभी तक बंदा मर चुका होता। हाँ अब यहाँ पे तुम लोग मेरे दिमाग में इस समय को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग के दिमाग में एक सवाल होगा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल से लग रहा है, और वो ये होगा कि जो प्रोबॉइज वगैरह या जंकी या एपिक डेपिक जो भी तुम लोग यूट्यूबर्स देखते हो वो जो वीडियोस बनाते हैं उनके जो डेटा बेस होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लिखते हैं, मतलब उनकी वीडियोज़ काफ़ी प्रोफेशनल होती हैं बिकॉज ऑफ देयर डेटा बेस, बट हमारे जो डेटा बेस हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं है। तो ये हो रहा है बस लाइक वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जहाँ से वो जाके डेटा पैक्स को बाय करते हैं, मतलब 2000 के या 3000 के इतने डेटा पैक्स वो खरीद करते हैं एंड देन उसके ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं। एंड उनकी वीडियोस से अगर अच्छी व्यूज़ आते, जैसे कि अगर उनकी एक वीडियो से 11 मिलियन व्यूज़ हैं तो उतनी अगर उनकी अच्छी व्यूज़ आ जाती है तो उनकी अर्निंग मतलब 12-13-14 हज़ार इतनी ज़्यादा हो जाती है उनकी अर्निंग, मतलब जितने उन्होंने पैसे पे करे हैं ना उस डेटा पैक्स लिए उसके बहुत ज़्यादा पैसे वो लोग अर्न कर लेते हैं एंड उसके बाद वापस से 2000 दे के एक और डेटा पैक्स खरीद लेते हैं। तो इस तरीके का उनको प्रोसेस चलता है, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू बाय सम डेटा पैक्स बिकॉज अगर तुम्हारा नया चैनल है एंड अगर तुम लोग अर्न नहीं कर रहे हो और व्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं आ रहे तो तुम लोग मत खरीदो डेटा पैक्स। हाँ बाकी अगर तुम्हारा काफ़ी अच्छा चैनल बन चुका है तो तुम लोग डेटा पैक्स खरीद सकते हो। बाकी हाँ बहुत सारे डेटा पैक्स तुम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट पता चल गया कि वो वीडियोस कैसे बताए थे। उसके बाद दूसरा एक मेन फैक्टर है वो है इनकी वीडियो एडिटिंग, तो उसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बट उसके लिए भी मेरी एक शर्त है, तुम लोग को मेरा एक एम पूरा करना होगा, वो एक लाइक एम एंड कमेंट एम है। तुम लोग को जस्ट करना है 10 लाइक्स एंड 10 कमेंट्स, ये एक छोटा सा एम तुम लोग को पूरा करवा देना
एंड उसके बाद मैं एडिटिंग सीरीज बनाऊंगा पूरी, जिसमें तो मैं बहुत सारे एडिटिंग टिप्स दूंगा, बिकॉज मुझे भी लगभग एक साल का एक्सपीरियंस है एक माइनक्राफ्ट चैनल को रन करने का, तो मैं तुम्हें अच्छी ऐसी टिप्स दे सकता हूँ। और दूसरी बात, लोग को शाउट आउट जाते हैं ये इन लोगों को, और अगर तुम लोग को भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट कर देना प्यारा सा, उस समय अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। बाकी मैं तो अगली वीडियो में, तब तक लिए तुम लोग लाइक एवं अगर पूरा करवा लेते हो तो मैं हाँ डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Just wanna be carefree, like